तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिया। तो अब मैं इसमें देसी घी डालूंगी, ये देखिए देसी घी अपनी मर्जी है, जितना आप चाहो उतना डाल सकते हो। मैं 2-3 चम्मच डाल देती हूँ, इससे जो है टेस्ट इसमें बिल्कुल बहुत अच्छा आएगा। मैंने देसी घी डाल दिया, अब मैं इसको उबालूंगी तो हमारी जो रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो गाइस आप हमें बता सकते हो आपको हमारी जो यखनी की रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही हम नई रेसिपीज के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन लाइफ डेयरीज एंड फूड। तो गाइस आज मैं यखनी का मीट आपको दिखाऊंगी, मैं यखनी बना रही हूँ। ये मैंने यखनी का मीट जो है अच्छे से सॉफ्ट कर दिया है, ये देखिए। आज मैंने सोचा मैं यखनी बनाऊंगी। ये मैंने 1.5 किलो मीट लिया है, इसमें मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, ये देखिए। तो यखनी वाला मीट जो है ये अलग ही होता है, ये जो होते हैं ये यखनी के मीट के पीसेस होते हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, देख सकते हैं। देखिए तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं कुकर में डाल के 2-3 मसाले डाल के इसको मैं 1 सीटी लूँगी, देख सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक प्याज डाल दिया, अब मैं इसमें ये मीट डालूँगी। देखिए ये मैं अब मीट डालूँगी, यखनी का मीट साफ करके अच्छे से धो के। तो ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम बीच में काट रहे हैं। देखिए हमने इसको छोटे छोटे पीस किए, कुछ बड़े पीस कुछ छोटे पीसेस हैं। अंदर है, अंदर जो अंदर बेड पे है। मुझे सबसे कम छोटे छोटे पीसेस करने हैं। ये आप देख सकते हो ये मैंने एक प्याज डाल दिया और इसमें मीट डाल दिया, एक तेज पत्ता डालूंगी और ये 2-3 इलायची मैंने कूट के डाल दी और साथ में पानी डाल दिया मैंने, 1.25 गिलास जैसा पानी डालना है। और ये दालचीनी आप देख सकते हो, मैंने दालचीनी का एक पीस डाला और ये ग्रीन कलर की इलायची मैं 2 से 3 डालूंगी। अभी मैंने एक ही डाल दी और डाल दूंगी मैं इसमें। पाउडर है ये मैं डाल रही हूँ, देखिए। इससे जो टेस्ट अच्छा आता है। और इसमें मैं थोड़ा सा इसमें मसाला डालती हूँ, ये देखिए। मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा इसी का जो है मसाला वो भी डाल दिया मैंने। और साथ में नमक डालूंगी, अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालूंगी। ये छोटा चम्मच इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने डाल दिया और साथ में इसमें थोड़ा सा ये गड़ा मिर्च होता है वो वाला मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि उसका कलर जाएगा, यखनी में कलर तो अच्छा नहीं लगता है, यखनी वाइट कलर की ही अच्छी लगती है।
तो बस इसको मैंने पानी डाल दिया आधा गिलास। तो अब इसमें मैं डालूंगी, इसको मैं एक एक से दो सीटी दूंगी, थोड़ा सा मीट जो है गलना चाहिए। तो उसके बाद मैं दही का इस्तेमाल दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं इसको एक सीटी दे देती हूँ, तो कुकर बंद करके इसको एक सीटी देती हूँ, एक से दो, जैसे मीट हो जैसे बेडू का हो तो उसको एक या दो सीटी लगेंगे, और अगर बकरे का हो तो दो से तीन, तीन से चार भी हो सकता है। तो ये बकरे का मीट है तो इसमें दो से तीन में सीटी दूंगी। थोड़ा सा उतना फुल नहीं पकाऊंगी क्योंकि फिर थोड़ा सा दही में भी पकेगा ये, देख लीजिए। तो मैं अब कुकर बंद करती हूँ। तो आप देख सकते हैं, अब हमने ये यखने के लिए मैंने दही लिया है, हाँ 1 किलो दही लिया है, उसमें मैंने एक अंडा भी डाल दिया। देखिए अब मैं इसको अच्छे से जो है ये मिक्स करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करेंगे। उल्टे ऐसे उल्टे करके, हाँ इसके हमें अच्छे से इसको लाइन बनाना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये, हम इसमें दालचीनी डालेंगे, हमने मीट में भी डाला था पहले, अब हम इसमें भी डालेंगे। अरे आप देख सकते हैं कुछ इलायची मैंने मीट में डाली थी, एक दो इलायची और काली मिर्च और ये लौंग भी मैं इसमें डालूंगी। ये आप देख सकते हैं, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, ये आप देखो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हम अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको पकाएंगे। अब मैं इसको गैस पे चढ़ाऊंगी, ये हमने गैस पे डाल दिया, गैस पे चढ़ाने के बाद इसको फुल फ्लेम पे रख के तो तब तक पकाते रहना है जब तक ये अच्छे से बन ना जाए। देख सकते हैं इसमें ये नमक भी डाल दिया है, पकाया है, पक चुका है, इसको फ्रिज में डाल। ये हमने पका दिया है, आप ये देख लीजिए कितना सा पकाना है, देखिए बिल्कुल नरम हो चुका है। दिल में तो थोड़ा सा ही पकेगा, अभी दिल में ज़्यादा नहीं पकेगा, सोचते हैं उसे पक चुका है हमारा मीट। तो आप हम दिन को पकाते रहेंगे, आराम से जो तो दही अच्छे से ना पके, उसके बाद दही को हम कुकर में डालेंगे।
डाल लिया। कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं ये हमने एक किलो धनिया डाला हुआ है तो हम अच्छे से भिगो रहे हैं। हम आप देख सकते हैं इसमें हम डालेंगे, इसको थोड़ी सी तारीफ करके दी है बादाम से डालेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं रहता है बादाम से। इसको थोड़ा सा पानी में देखूंगी, यहाँ पे पानी थोड़ा सा रह गया है वो खा देंगे, तब तक हम इसको दही को हिलाते रहेंगे। ये हमारा दही जो है नहीं फटा है क्योंकि दही फट जाता है जब हम इसको पकाते हैं, अगर हम इसमें अंडा डालते हैं फिर दही जो है नहीं फटता है। इसमें एक चम्मच हम डालेंगे तरकीला, मेरा इधर आओ, शुक्र मैंने एक से दो चम्मच तरकीला लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको डालूंगी ताकि जो हमारा जो दही है ये गन्ना ही रहेगा और जो हमारी जो यकी है ये गन्नी ही बनेगी। उसका मैं दही में डाल दूंगी क्योंकि दही जो है ये उबल रहा है। हिला 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 दीजिए, हिला दीजिए, हमारी दही जो है कितनी मोटी हो चुकी है ये देखिए, तो हम ये पक चुकी है अभी उसको कुकर में डालेंगे देखिए फूल फ्लेम पर दिखाएंगे उबल रही है ये देखिए, तो सब हम इसको कुकर में डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हो मैं अब इसको डालूंगी कुकर के अंदर, मच्छर मच्छर डाल दिया है। थोड़ा सा मीट में पका लेंगे, तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिया। तो अब मैं इसमें देसी घी डालूंगी, ये देखिए देसी घी, अपनी मर्जी है जितना आप चाहो उतना डाल सकते हैं। मैं दो तीन चम्मच डाल देती हूँ, इससे जो है टेस्ट इसमें बिल्कुल बहुत अच्छा आएगा। मैंने देसी घी डाल दिया, अब मैं इसको उबालूंगी तो हमारी जो रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो गाइस आप हमें बता सकते हो आपको हमारी जो यखनी की रेसिपी कैसी लगी, ऐसी ही हम नई रेसिपीज के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो कई बार देख सकते हैं हम फुलवाड़ियाँ बना रहे हैं, इमली का मसाला भी दिया, डाल सारा ही आप लेगी देखिए। और हमने साथ में जो है गोलगप्पे बनाए, गोलगप्पे जाए हैं ये रहे मेरे गए, और साथ में फुलवाड़ियाँ बना रहे हैं देखिए, नाक निकल जाती है देखिए।
आज ये हम फुलौड़ियों का जो है काम कर रहे हैं, फुलौड़ियाँ बनाने का, और दूसरा जो है ये बर्तन धो रहा है। बस फेंक दो अभी सारा, मैंने बहुत सा काम कम डालना ही, चल जाती है जब तक निकालते निकालते। सबसे अभी जो तेल है बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए ये जल्दी जल्दी बन रहे हैं। बंद क्यों किया? बस करो अब इसको, क्यों खोल रहे हैं? बहुत गर्म है तेल। नहीं नहीं ये नहीं बनेंगे, ये इसको होना चाहिए गर्म तेल, तो आन कर। नहीं ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। काम करना था, इधर को करते हैं। ये गोलगप्पे और फुलवड़ियाँ आज जो है मेरी बेटी बना रही है, आज मेरा बेटा बना रहा है, और इसका जो पानी है वो बेटा बना रहा है, ये बेटी जो है बाकी चीजें बना रही है, और छोटा बेटा जो है देख सकते हैं बर्तन धो रहा है। आज ये तीनों बच्चे काम कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये हमारा काम हो रहा है बच्चों से, ये आप देख सकते हो। आज मैंने इनके हाथ से खाना है, ये आप देख सकते हो। बस थोड़ी सी दो शिफ्टें हैं अब फुलवड़ियों की, ये आप देख सकते हो। ये ले जाया जा रहा है, अभी नहीं खाना। देखो भी अब तो मैं अगर खाना है तो अब हम खाना शुरू कर लेंगे। लास्ट शिफ्ट है, तेल कम हो गया इसमें। माओ बस लास्ट शिफ्ट है। कैसा बना रबे? इनका कलर जो है बहुत अच्छा लगता है, जो फुलौड़ियों का कलर होता है रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, सारे कलर बहुत अच्छे लगते हैं। ये तरह से बस लास्ट शिफ्ट है। मुझे जो है ये वाली बहुत पसंद है, इससे बहुत ज्यादा टेस्टी होती है ये वाली फ्लेवर। ये और ये स्टार वाली खासकर पीच कलर है। तो मैं खा रही हूँ, तो कुछ लगे बीच में फिर कच्चा रहेगा। मैं सब दो सेकंड के बाद गैस बंद कर दूँगी। तो गाइस आप हमें बता सकते हो आपका जो हमारी रेसिपी थी गोलगप्पे और फुलवड़ियों की कैसी लगी, जो मैं नेक्स्ट फिर से आपके पास तो कोई और रेसिपी लेके आऊँगी। आज की रेसिपी गोलगप्पे और फुलवड़ियाँ थी जो मैंने बना ली है, देखिए। और ये गोलगप्पे और ये इसका पानी है, ये मीठा पानी है, ये इमली वाला पानी है, ये इसका जीरा पानी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ग्रैंड लाइब्रेरी जैन फूड। तो गाइस आज मैंने ये सोचा कि मैं गोलगप्पे बनाऊंगी जाते ही, तो मैंने एक जो है ये ट्राई के लिए डाल दिया। अब मैं इसमें और डालती हूँ, देख सकती हूँ। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ गोलगप्पे की रेसिपी, आप देख सकते हो। पलटा नहीं रखते, बस बन गए। अभी नहीं, अभी फर्स्ट टाइम ट्राई की है।
घर के गोलगप्पे ये तीखा है तो कम फ्लेम पे रखो ना वो तो कितना बड़ा बना चल गई चल गई में गर्दा लगाया नहीं ओह बाबा बाबा क्या कर रहे हो पीछे हटो बस सारी डालो फिर पानी कहाँ से बनाने हैं डेली डेली ये कोई जरूरत नहीं है सारे आज ही बनाओ उधर लगा इधर ये लगा होगा आपकी चार 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 बन गई निकालो बस अब भी नहीं डालना एक है वो भी डाल ही लो तीन इनका पानी है पता नहीं शायद ये तीखा है ये इमली वाला है ये वाला मीठा है आई नो आई एम राइट और जो तूने अभी मेरे साथ किया उसका भी मैंने अभी बदला लेना है अभी देखो सब बता देखो गाइस कितने अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल किसी का ना फुलौड़ियाँ भी नहीं फुलौड़ी का बना लिया तेल गर्म ही ना बनाओ बनाओ कितने प्यारे लग रहे फूलते हुए ये Thank you.
आराम से इसमें इसके ऊपर लगा गोलगप्पे भी दिखा रही हूँ ना सर। करो बंद भी आप हमें बता सकते हो आपका जो हमारी रेसिपी थी गोलगप्पे और फुलवड़ियाँ की कैसी लगी। तो मैं फिर से आपके पास कोई और रेसिपी लेके आऊँगी। आज की रेसिपी गोलगप्पे और फुलवड़ियाँ थी जो मैंने बना ली है, देखिए। और ये गोलगप्पे और ये इसका पानी है, ये मीठा पानी है, ये नींबू वाला पानी है, ये इसका जीरा जीरा पानी है।